हेलो डियर स्टूडेंट, अब हमारा प्रैक्टिस पेपर ग्रेड फोर के लिए है, डे फाइव। अभी आपके क्या अभी आर के एस एम बी के एस ए वन होने वाले हैं 30 अक्टूबर से। उनमें क्या अभी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसमें क्या 15 प्रश्न है टोटल। पहला क्वेश्चन देखिए भी हिंदी का, इनमें से कौन सा शब्द सही है। चार शब्द दिए गए, इनमें आपको एक सही शब्द का चुनाव करना है। अभिमन, अभिमान, अभिमान, अभिमान। इसमें क्या है अभी ये जो अभिमान है, गर्व घमंड, ये सही है। दो नंबर प्रश्न देखिए भी, इनमें से देश की रक्षा कौन करता है। अभी किसान खेत में जाता है, सैनिक क्या करता है, अभी देश की रक्षा करता है, लिपिक, डॉक्टर। यहाँ पर क्या है अभी बे ऑप्शन सही आ जाएगा, सैनिक कर रहा है। उस टोकरी को चुने जिसमें केले, आपको वो टोकरी का चुनाव करना है जिसमें केले। और देखो भी यहां पर केले हैं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न है, उस फ्रॉक को चुने जिसमें जेब है। ये चार फ्रॉक दी हुई हैं, इनमें क्या अभी जेब वाली फ्रॉक को चुना, ये फ्रॉक है उसमें क्या अभी जेब है, इसमें कोई फूल लगाया हुआ है, इसमें रुमाल है, इसमें स्टार लगाया हुआ है, पॉकेट इसमें लगी है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उस वाक्य को चुने जो चित्र में से मेल खाता है। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, एक कछुआ है उसके ऊपर खरगोश बैठा है, कछुआ तैर रहा है पानी में, देखो भी खरगोश कछुए के ऊपर सवारी कर रहा है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखो भी मैथ के 5 प्रश्न आ गए, फिर इंग्लिश के 5 प्रश्न आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। एक टोकरी में 35 केले हैं, केले थे, उनमें से 16 केले बच्चों को बांट दिए गए। टोकरी में कुल 6 केले केले शेष बचे। अब शेष का जब भी प्रश्न आता है तो आपको घटाव करना है, क्या करना है अभी घटाव करना है। तो यहाँ पर 34 केले थे, कितने थे अभी 34, उन्होंने 16 केले बच्चों को बांट दिए, 16 कम हो गए तो माइनस कर दो, कितने बच गए अभी। इधर 4 में से 6 जाते नहीं है, तो इधर से हमने हासिल ली, कैरी ली, 14 में से गए 8, यहाँ पर 2 बचे 2 में से 18 केले शेष बच गए। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस में संख्याओं को घटते क्रम में लिखा गया। अब यहां पर क्या है अभी घटता क्रम, घटता क्रम का मतलब क्या है अभी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, और आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम। इसमें संख्याएं कौन सी हैं वो घट रही हैं, तो सबसे पहले कौन सी बड़ी संख्या आएगी, देखो अभी यहां पर देखो 54 67, ये बड़ी है, ये आरोही क्रम है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर इससे बड़ी आ रही है, सबसे बड़ी पहली संख्या आएगी। अब यहाँ देखो 89, यहाँ पर भी 89 है, 89 है, फिर क्या अभी इससे छोटी आनी चाहिए, तो यहाँ 85 सही है, यहाँ पर 73 आ गई, परंतु यहाँ 73 के बाद क्या अभी 85 बड़ी आ गई, तो ये क्रम सही नहीं है, फिर छोटी छोटी आएगी, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 कॉपियों को 8 बच्चों को मैं बराबर बराबर बांटना है। अब आपके पास कितनी 48 कॉपी हैं, जब बांटने की बात हो ना तब आप हमेशा क्या करोगे भी भाग दोगे, कितने बच्चों में बांटनी है अभी 8 बच्चों में बांटनी है, तो बताइए प्रत्येक बच्चों को कितनी कॉपियां मिलेंगी, तो 8 से भाग देंगे, 8 6 48, तो 6 6 कॉपियां प्रत्येक बच्चों को मिलेंगी, 8 बच्चों को 48 कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 2 2000 के बराबर है। 2000 और दाई कितना है अभी 4, इकाई, ये इकाई कहां का, ये दाई है, यहां 4 लिख दो, क्या हो जाएगा अभी 0 4 0 2040, आपका आंसर रहेगा। जहां पर दाई नाम लिया है ना वहां पर दाई लिखो, इकाई दाई सैकड़ा हजार, जहां पर हजार लिखा है वहां पर हजार लिखो, तो ये 2040 आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो भी, खाली गोले में कौन सी संख्या आएगी भी, यहां पर क्या कितना है भी 16 प्लस में खाली बॉक्स है बराबर में 32 है। अब यहां पर कौन सी संख्या लिखे जो जोड़ने पर 32 हो जाए, इसका सीधे सी आप सीधा कर दो तो अच्छा है, वरना 32 में से 16 आप माइनस कर दो जो बचेगा वो यहां लिख दो, तो 16 16 कितने होते हैं 32 होते हैं, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा भी 16, इनको जोड़ोगे तो भी 32 होगा, 32 में से 16 घटाओगे तो भी 16 होगा।
अब इंग्लिश के देखिए भी, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको वो शब्द चुनना है जो वाक्य को पूरा करे। शिल्पा एंड जया आर सिस्टर्स, शिल्पा और जया के अभी दो बहनें हैं। मदर इज ए डॉक्टर, उनकी माँ डॉक्टर है, उनकी शब्द के लिए अंग्रेजी का कौन सा अक्षर आएगा, अभी शब्द आएगा। अब पहले देखो, अगर शिल्पा लड़की होती तो यहां पर हर आता, क्या था अभी, हर आता एक होती, तो अगर लड़का होता तो क्या था अभी, ही जाता। अब दो हैं, बहुवचन हो गया तो क्या आएगा बच्चों, देर आएगा। अगर यहां पर वी होता तो यहां पर अवर आता, क्या था अभी, अवर आता। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, आपको सही शब्द चुनना है। तो ग्रैंड मदर अस स्टोरीज यस्टरडे, अब देखो भी यहां पर आपको यस्टरडे दिया गया, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, अभी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहां पर क्या भी टोल्ड आएगा, क्या भी टोल्ड। चूज द लेटर दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट बोथ द वर्ड्स, आपको ऐसे अक्षर चुनने, लेटर्स क्या होते हैं अभी, अक्षर जो एक ही जोड़ा लेना है इनमें से दोनों शब्दों को पूर्ण कर दे। तो देखो भी ए ई से कोई शब्द बनता है क्या, एन ए ई नहीं बनता, यहां पर देखो ई से, ई ए से बनता है, अगर यहां पर ई और ए लिखेंगे ना, ये हो गया नीट साफ, और यहां पर लिखेंगे ई और ए क्लियर साफ करना, तो यहां पर ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, इन द पिक्चर द बॉयज, इसमें लड़का क्या कर रहा है अभी, प्लेइंग खेल रहा है, क्योंकि यहां पर इज एम आर आया हुआ है ना, इज एम आर वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग होता है, याद रखना हमेशा, तो आप यहां पर प्लेइंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांच देखो भी, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, सीता कैप्ट सिक्स, सीता के ने रखी छह इन हर बैग, अपनी बैग में क्या रखेगी, बैग में बुक्स रखेगी, चेयर कुर्सियां रखेगी, पंखे रखेगी, टेबल्स रखेगी, तो बैग में तो पुस्तकें रखी जाती हैं, तो ए ऑप्शन सही आ जाएगा। धन्यवाद।